अब आपको बीजेपी महासचिव और इंदौर से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का अलग रंग दिखाने जा रहे हैं, जहां उन्हें शराब छुड़वाने का जो तरीका बताया है उसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। देखिए, यूं तो कैलाश विजयवर्गीय के आपने कई अंदाज देखे होंगे। कभी वो गाना गाकर लोगों को संदेश देते हैं, तो कभी जनता के बीच जाकर संस्कृति बचाने की अपील करते हैं। लेकिन आज हम आपको कैलाश विजयवर्गीय का एक और अंदाज दिखाने जा रहे हैं, जहां उन्होंने शराब छुड़वाने का एक नया तरीका इजाद किया है। बच्चों को बनना पड़ेगा, बच्चों आज भूख हड़ताल क्यों? पापा शराब पी गए, भूख हड़ताल करेंगे बच्चे। माँ बाप को कोई सुधार सकता है तो बच्चे सुधार सकते हैं, पुलिस भी सुधार सकते हैं, एक बार ध्यान देना। बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे। तो सुना आपने, शराब छुड़ाने का विजयवर्गीय जी ने क्या तरीका बताया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के 60 फीट रोड स्थित गुरु कृपा वाटिका में आयोजित मांग मराठी समाज के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां एक महिला ने पति द्वारा शराब पीकर मारपीट करने की शिकायत की, जिस पर विजयवर्गीय ने बच्चों से कहा कि जिस दिन भी पापा शराब पीकर आए आप भूख हड़ताल कर दो, इसके बाद आज नहीं तो कल पापा जरूर सुधर जाएंगे। ये मेरे पापा दारू पी के आते हैं, मम्मी को मारते हैं। क्या एक काम करो बच्चों, एक काम करो, जैसे ही मम्मी की पिटाई करे आप लोग घर के बाहर आ जाओ और भूख हड़ताल कर दो। आज हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पापा दारू पी के आते। मैंने बच्चों से भूख हड़ताल करवा दी, उनके ही बड़ी जोश रखी। मैंने क्या बच्चों, डरना मत, फिर फोन करने में आ जाऊंगा, पहुंच गया वहां। जब तक पापा शराब नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बच्चे घर पर खाना नहीं खाएंगे। चुनावी माहौल है, नेता भी जनता से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में विजयवर्गीय का ये ज्ञान क्या कमाल करता है और लोग इस पर कितना अमल करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। इंदौर से आशीष जादौन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।